मिशन ग्राम सभा में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं खेत खलियान की। आज का विषय है बागवानी। प्रकृति की गोद में रहने का अपना एक ही आनंद होता है। कंप्यूटर की किट-किट और डेडलाइन से दूर रहकर अगर आप नेचर संबंधित एक सुखद करियर की तलाश में हैं तो आप हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी में अपना भविष्य तलाश सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वास्तव में एग्रीकल्चर का ही एक छोटा स्वरूप है। जहाँ एग्रीकल्चर में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, वहीं बागवानी में इसे छोटे स्तर पर किया जाता है। अगर आपको भी प्रकृति के करीब रहना पसंद है तो आप हॉर्टिकल्चर में अपना करियर बनाएं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस बारे में, क्या है आखिर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वास्तव में आर्ट और विज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण है, जिसमें फल, सब्जियों, मसालों, फूलों, औषधीय व सुगंधित फूलों की खेती की जाती है। बागवानों के क्षेत्र में न सिर्फ परिवेश का सौंदर्यीकरण शामिल है, बल्कि पौधों और उनके महत्व का अध्ययन भी शामिल है। बागवानी में पौधों के फसल उत्पादन से लेकर मिट्टी की तैयारी, पौधे की प्रजनन और आनुवंशिक इंजीनियरिंग, पौधे की जैव रसायन और पादप शरीर क्रिया विज्ञान आदि शामिल है। इस क्षेत्र में भविष्य की चाह रखने वाले छात्रों के लिए सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। आप बागवानी उद्योग, सरकारी या शैक्षिक संस्थानों या फिर निजी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर सकते हैं। बागवानी में आप फूलों की खेती कर सकते हैं, जिससे काफी धन अर्जित किया जा सकता है। इसकी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता थान सिंह मौर्य ने किसानों से वार्ता की। आपको सीधे उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, द दस्तक 24 चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम चंदौसी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बागवानी खेती सलजम, मूली, गोभी और गुलाब, गेंदा की फसल किसान भाई करते हैं। हम आइए आपको गुलाब की खेती, गेंदा की खेती के बारे में कुछ किसान भाइयों से बात करते हैं। इस समय ये गेंदा की खेती हरी भरी हुई है, तैयार है, फूल तैयार हो रहा है। और ये किस समय बोई जाती है और क्या इनकम होती है, देखिए हम बात करते हैं कि भाई लोगों से। जी भैया, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार भैया। गौरव कुमार जी, कहाँ रहते हैं आप गौरव जी? ये हनुमानगढ़ी चंदौसी। हनुमानगढ़ी चंदौसी में आप इस समय ये क्या उखेड़ रहे हैं? इस समय ये सलगम। सलगम ये कब बोई जाती है? ये भैया ये एक महीने में तैयार हो जाती है बोकर। अच्छा अच्छा, इसमें क्या रेट चल रहा है इस समय? इस समय मंडी ऐसी होगा 100 रुपए दड़ी का। 100 रुपए दड़ी का, 20 रुपए किलो का। अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं इस समय, उनका क्या नाम है? चोखे। अच्छा चोखे, और ये इनका ये काम कर रहे हैं, इनका क्या नाम है? राजकुमार जी। अच्छा जी, क्या नाम है भाई आपका? राजकुमार जी। अच्छा, और आपका क्या नाम भैया? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी, ये बताइए आप जो गेंदा की फसल तैयार करते हैं, इससे आप कैसे तैयार करते हैं और क्या कब बबते हैं और किससे क्या इनकम होती है? भैया ये दिवाली से 6 महीने पहले बोई जाती है जी, और ये दिवाली के पास जाके बिकता है। ये फूल शादी ब्याह और डेकोरेशन जो होती है उसके काम में आता है ये फूल, और दिवाली पे ये सजावट करते हैं, दिवाली पर पूजा पूजा के लिए उसके लिए काम में आता है। अच्छा, कितने रुपये प्रति किलो बिक जाता है ये? ये जब साला वगैरह होती है, डेकोरेशन होती है, तो 40-50 बिक जाते हैं और दिवाली पे 60-70 के बिकते हैं। अच्छा, ये फूल की ब्रांड आपके अलग अलग है, कोई पीला है, कोई ये लाल है, कोई कैसा है, ये कौन कौन सी ब्रांड के आपने गुलाब ये लगा रखे, गेंदा लगा रखे हैं आपने? भैया बीज एक ही है इसका, हजारा नाम होता है इस गेंदे का। गेंदे कई प्रकार के, हजारा होता है, एक कलकतिया होता है और एक गेंदा और होता है, उसका नाम पता नहीं है। अच्छा, जैसे आपकी इस तरफ ये गुलाब भी है, ये गुलाब की खेती आप कौन सी गुलाब का फूल है ये? ये भैया देसी गुलाब है जी, ये बारहमासी चलता है, इंग्लिश गुलाब नहीं चलता बारहमासी। अच्छा, ये आपने गुलाब भी लगा रखा है। अच्छा, इस समय ये वाला वृक्ष कैसा है? ये वाला ये किसका है? मुर्गा कलम। अच्छा, मुर्गा कलम ये किसे काम आता है भैया? ये भी डेकोरेशन के काम में आता है, दिवाली पे बुक्के बनाते हैं उसके काम में आता है। अच्छा, बुक्के वगैरह बनाने आते हैं जी। धन्यवाद भाई साहब।